सोनिया सिस्टर की टेस्टीमनी आ। पास्टर जी इन्हों की टेस्टीमनी यह आ कि इन्हों की मैरिज नू 1 साल हो गया सीगा और पास्टर जी इन्होंने जो बेबी प्लैन किया इन्हों प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। इस सिस्टर ने दसिया कि इन्हों की धड़कन जी वधनी शुरू हो गई, इन्हों सह बहुत ज़्यादा चढ़ता सी, पास्टर जी खांसी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी और पास्टर जी ये सिस्टर लगातार प्रार्थना करते सी, लगातार रेगुलर चर्च के नाल जुड़े हुए सी और जुलाई 2020 पास्टर जी इन्होंने बेबी प्लैन कर बारे सोचा और जो पास्टर जी ये डॉक्टर के कोल गए डॉक्टर ने कहा कि थानू थायरॉयड की प्रॉब्लम आ, तुसी बेबी मतलब कंसीव नहीं कर सकते, अगर तुसी बेबी प्लैन करोगे जां बेबी नू लओगे तो थोड़े बेबी दे विच प्रॉब्लम आ जाएगी। पास्टर जी जो ये डॉक्टर के कोल गए और थायरॉयड इन्होंने टैसट करवाया, पास्टर जी 284 थायरॉयड सी। पास्टर जी जो थायरॉयड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 2.5 होना चाहिए, पास्टर जी इन्हों का 284 सी पास्टर जी। और पास्टर जी इस सिस्टर ने दसिया कि इन्हों 50 mg की गोली लग गई, डॉक्टर ने दसिया कि डेली तुसी मेडिसिन खाया करो और पास्टर जी डॉक्टर ने दसिया कि इन्हों के बेबी के विच डिफेक्ट हो सकता, कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पास्टर जी अगर थायरॉयड पेशेंट नूं हुंदा आ ते बच्चे दे विच कोई ना कोई अबनॉर्मैलिटी हुंदी आ, बच्चा जिहड़ा बिल्कुल सही पैदा नहीं हुंदा, बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर थायरॉयड हुंदा बेबी बहुत ज़्यादा रिस्क कंडीशन दे विच हुंदा पास्टर जी। और पास्टर जी इस सिस्टर नूं बहुत ज़्यादा घबराहट हुंदी सी, बहुत ज़्यादा चक्कर आउंदे सी, लगातार वीकनेस सी पास्टर जी। इस सिस्टर ने दस्या कि कई बार इन्हां दे हसबेंड जिहड़े सी इन्हां नूं हॉस्पिटल लैके जांदे सी और 7th month पास्टर जी इन्होंने स्कैन करवाई, डॉक्टर ने दसिया कि थोड़े बच्चे दे हार्ट दे विच मतलब दिल दे विच शेक आ और थोड़े पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ, मीन जिथे बच्चा रहिंदा उत्थे मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ। और पास्टर जी ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान सी, बेबी ग्रो भी नहीं सी हो रहा पास्टर जी। सिस्टर ने दसिया कि बच्चे की हलचल मतलब मूवमेंट भी बहुत घट सी, बच्चा मूवमेंट नहीं करता सी पास्टर जी। और पास्टर जी इस सिस्टर ने दसिया कि लगातार पानी की कमी होने के करके बहुत बारे हॉस्पिटल जाते सी, दो तीन दिन लगातार पास्टर जी एडमिट रहते हॉस्पिटल के, इन्हों की ड्रिप लगती सी ताकि इन्हों का पानी पूरा हो जाए और इन्हों का 9 month जरा कंप्लीट हो जाए पास्टर जी। और लगातार पास्टर जी रेगुलर और चर्च न जुड़े हुए आ, लगातार मीटिंग अटेंड करते पास्टर जी और जो भी घोषणावान पास्टर जी थोड़े द्वारा होंदिया इन्हों घोषणावान ये रिसीव करते रहे और पास्टर जी 7th month मिल के गए और तुसी इन्हां लई प्रेयर की। और जो पास्टर जी 9th month दे विच इन्होंने स्कैन करवाई, इन्होंने रिपोर्ट करवाई, पास्टर जी डॉक्टर ने दसिया कि बच्चे की हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है पास्टर जी। और 9 month दे विच पास्टर जी जो इन्हों की डिलीवरी हुई ये डॉक्टर के कोल गए, सिस्टर नूं बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम आ गई, डॉक्टर ने कहा कि असीं डिलीवरी नहीं कर सकते क्योंकि डिलीवरी दे विच प्रॉब्लम आएगी। और 12/4/2021 पास्टर जी ये चर्च दे विच आए और ले हैंड प्रेयर करवाई। पास्टर जी जो ये ले हैंड प्रेयर करवा के गए इस सिस्टर ने दसिया कि इन्हों बहुत हल्का महसूस होया, होली स्पिरिट ने इन्हों छूया। पास्टर जी इस सिस्टर का कहना इदा आ कि बच्चे के करके बहुत ज़्यादा डर दे विच सी क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे कि थानू थायरॉयड आ, बच्चे की ग्रोथ जी प्रॉपर नहीं आ, बच्चा थोड़ा कमज़ोर आ, इसलिए पास्टर जी ये सिस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए सके। और पास्टर जी इस सिस्टर ने दसिया कि जो ये थानू मिले और पास्टर जी तुसी इन्हां नू वर्ड दिता कि मैं थानू बेबी बॉय ना ब्लैस करदा और पास्टर जी ये सिस्टर डेली उस वर्ड नू पास्टर जी मनन करते सी जो थोड़े द्वारा इन्हां नू दिते गए सी पास्टर जी। जो ले हैंड प्रेयर तो बाद पास्टर जी 15/4/2021 पास्टर जी इन्हां दी डिलीवरी हुई, परमेश्वर ने इन्हां नू बेबी बॉय दे नाल ब्लैस किया और हैल्दी बेबी बॉय दे नाल पास्टर जी इन्हां नू ब्लैस किया, तुसी देख सकते हैं। सुरक्षा इसके साथ रहे इन जीसस नेम, आमेन।